ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾ ਫਰੀਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਬਦੁਲ ਹਬੀਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਕੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਜੀ ਅਜੰਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਤਾਓ ਆਪਕਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਥਾ ਵੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਜਾ ਆਪਕਾ ਵੋ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਥਾ ਵੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ क्या हुआ मोबाइल किधर गया मोबाइल रक्षे से किधर भूल गया हमें ओए ओए कहां भूल गए पैसे देते से रखे हाल लो ओ थे कि तो भूल गया चेक करें जेबों में चेक करें कहीं होगा ओ शुक्र है मेरा माल का शुक्र शुक्र एक तो जेबा इंडिया में गया है ओ पता नहीं चलता कि नहीं आपने बहुत सारी चीजें पहनी हुई है ना देखें कहां है शुक्र है मिल गया शुक्र है अच्छा 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 चले ठीक है अल्लाह का शुक्र है रुमाल में संभाल के रखा आपने अच्छा चलें ठीक हो गया ये मैं भूल गया थोड़ा जिहा मैं थोड़ा याद करन दे मैं इस वेले तेरे कोल एक काम आया अच्छा फरमाए फरमाए काम बताएं अगर तू मेरा काम कर देगा हां हां ते तेरे वर्गा दुनिया से कोई नहीं 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 मैं काम तो बताएं मैं तो वैसे ही गुनाहगार हूं आप काम बताएं काम है वे के एक अल्लाह भला करे तेरा लिमू लिमू ਲਿੰਬੂ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲਿੰਬੂ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਸੱਪ 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 ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਲਾਉਂਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੰਜਰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੰਜਰ ਇੱਕ ਲਿੰਬੂ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਹਾਂ और लीमू लीमू किधर से ईमू होगा ये ईमू सॉफ्टवेयर एक है मोबाइल में होता है और एक मैसेंजर होता है आपने उसको पैसेंजर बना दिया तुसी भी ठीक हो बाबा जी बस की करा पुत्र मेरी जड़ी है अजीन काम नहीं कर अच्छा अब क्या करना है इसमें डालना है ऐसे मोबाइल अच्छा ये पर्ची नंबर किसका है ये मेरा पुत्र है ना अच्छा वही जिसको ढूंढ रहे हो आप बढ़िया मन मन मल्लता मन मन के अल्लाह का लोन लिया है अच्छा बच्चे का नाम क्या है बच्चे का नाम पिछली बार भी आपने बच्चे का नाम नहीं बताया था किसे मुंडे दा ना ओ होवे जेड़ा मेरे मुंडे दा ना है जदों ओदे मुंह चो मैं अपने पुत्र दा ना सुना ना मेरे कलेजे च ठंड पै जा ना की है तुहाडे पुत्र दा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਯਕੂਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਓਕੇ ਤੇ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਲਾ ਭੋਲਾ ਓਲਾ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਤੀਆਂ ਮਾਨੇ ਚਲੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਲਿੰਬੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ अच्छा आपको इसलिए ये सॉफ्टवेयर डलाने है कि आपका बेटा उससे बात करता है जिसके पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं हाँ मैं कहना कि मम्मी बुला लेना ऐसे बहाने में नल भी गल्ला कर लिया अल्लाह 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 लेकिन बाबा जी आपका जो मोबाइल है ना इस मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे है? वो तो स्मार्टफोन होता है अब आपको मैं कैसे समझाऊं ये तो पुराना फोन है इसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं आते ऐसा मतलब है बड़ा मोबाइल चाहिए ऐसे विच नहीं आना नहीं ऐसे विच नहीं आना
तू कोशिश करके देख। नहीं बाबा जी, इसमें नहीं आएगा, दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा, उसमें आ जाएगा। इहदा मतलब है काम नहीं हो रहा, मेरे मुंडे की आवाज मैनू नहीं सुनाई देगी, मैं अपने पुत्र नाल गल्ला नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं अपने पुत्र नाल गल्ला जरूर करांगा, ते इस मोबाइल से गल नहीं हो सकती, ते कोई गल नहीं, मैं अपने दिल की गल अपने पुत्र नू अज जरूर सुनावांगा, मैं अपने पुत्र नू अज जरूर सुनावांगा। बोले ओ बोलिया बोल गया, जो तू घरों गया से तेरी मां तेरे वास्ते रोटियां पकाइयां, तेरे कोलो चेचा पुछ पुछ के तेरी भैणां ने तेरे वास्ते चीजां बनाइयां, सारी रात जाग के गुजारती। साडा वीर सवेर नूं चला जाणा परदेसी, बोलिया जदों तू चलिया से मां कोलो प्यार लिया सी, जदों तेनूं प्यार देण लगी तू प्यारिया ओदी अखां तों वेखदा, ओदिया अखां च इन्ना तूफान थम के रुकिया होया सी, ਉਹ ਥਰੂ ਨੀ ਸੁੱਟ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੰਝੂ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਜੀਰੋ ਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਰੇ ਅਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਹਮ ਢੂੰਡੇਂਗੇ। ਆ ਆ ਜ਼ਰਾ ਆਈਏ ਬੇਟੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਲੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਮਰ ਚਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਬਾਬਾ बार भी आए थे, अपने बेटे को याद कर रहे थे और कहते थे मेरा मोबाइल खराब है, और इसलिए कहते थे खराब है कि मेरे बेटे का फोन नहीं आता। आज आए तो कहते हैं कि बेटे के लिए सॉफ्टवेयर डाल दो। पता है बेटा मुझसे तो बात नहीं करता, मगर इन सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे दोस्तों से बात करता है। बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को कितना याद करते हैं और किस तरह उनकी कैफियत बनती हैं। लगता है इनका बेटा इनसे दूर कहीं चला गया है, काम काज के लिए गया है, लेकिन अब इनकी याद इसको बहुत सताती है। मेरा ख्याल है कि ये पर्ची में एक नंबर इनके मोबाइल के साथ मुझे मिला है। हम देखते हैं इंशाल्लाह अगर इनके बच्चे से हमारी बात हो जाए तो उस बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अपने वालिद के करीब आ जाए। मैं उन तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगा जो अपने माँ बाप से दूर हैं, बिलखसूस वतन से दूर हैं, अपने माँ बाप की खबर लिया करें, उनसे बात किया करें, उनकी तबीयत पूछा करें, और अगर ज़रूरत है तो उनके पास आया करें। कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह किसी तरह इस बच्चे से हमारा रابطہ हो जाए और हम कोशिश करें कि वो बच्चा इस बाप बुदखियारे बाप से मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन आप? मोहम्मद याकूब उर्फ भोला बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, तुसी कौन? तुसी दोस्तों पहले थोड़ा नाम की है? मुझे अब्दुल हबीब अत्तारी कहते हैं। आप कहाँ होते हो? मैं इधर ही, थानू मैं पहचाने नहीं, तुसी कौन बोल रहे हो? जी आप मुझे शायद नहीं पहचानते, मगर आपका नंबर, थानू मेरा नंबर क्यों नहीं देता है? हाँ मैं यही बता रहा हूँ, थोड़ा आराम से तसल्ली से प्यारे भोले। मसला यह है कि मुझे आपका नंबर मिला है आपके वालिद साहब की जेब से। आपके वालिद साहब का नाम बाबा शुक्रदीन है? जी जी बिल्कुल। अच्छा तो बेटा आप अपने वालिद से बात नहीं करते, कहाँ चले गए इतना दूर? वो तो बहुत रोते रहते हैं, आपको याद करते हैं। मैं याद करता सी, मैं कॉल करता सी बिल्कुल। अच्छा लेकिन वो कॉल रिसीव करके ना, हाँ अगो एक गल उन्होंने दस दस बार मरतबा कहनी पैंती सी। अच्छा तो बाद गल जो सोलना दे सी, हाँ। तो बाद कहते सी की
हाँ जो तू गल समझ लेंदे सी उत्तों बाद फिर कहंदे सी शुक्र है मेरे मालका, शुक्र है मेरे मालका। तुसी दसो खुद समझदार हो तुसी अजकल दे दौर विच किहदे कोल इन्ना टाइम है कि बार बार एक गल नूं दस मरतबा सुन के उत्तों बाद सुनन तो बाद फिर जवाब दिंदे ने कि हाँ, फिर दस मरतबा कहंदे ने शुक्र है मेरे मालका, शुक्र है मेरे मालका। आप इन्ना टाइम किहदे कोल आ अजकल दी दुनिया विच दसो जरा, तुसी खुद समझदार हो, आपकी बात को सही नहीं समझते, आप इसलिए फोन नहीं करते जी, आप इतने मसरूफ होते हो, बाकी लोगों के लिए टाइम है आपके पास, अपने वालिद के लिए नहीं। बिल्कुल जी जी। देखो बेटा आप मेरी बात तसल्ली से सुनना ठीक है, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 25 साल है, ठीक है ना बेटा। आप जब छोटे थे ना तो आपने भी हमें, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, चले आपकी नहीं देता आपको बुरा ना लग जाए। मैं जब छोटा था ना और जब मुझे बोलना नहीं आता था और जब पेट में दर्द होता था, मैं रोता था तो मेरे माँ बाप को पता चल जाता था कि मुझे क्या तकलीफ है। मैं जब एक बात को बार बार उनसे पूछता था, आप छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा याकूब भाई कि हम वो बार बार एक बात पूछते हैं तो माँ बाप उन्हें चूमते भी हैं, उन्हें बताते भी हैं कि बेटा ये बात है। हमने बचपन में अपने माँ बाप से कई बार कोई बात पूछी, उनको बुरा नहीं लगा। आज माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी समझ में थोड़ा मुश्किल से आ रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि माँ बाप को समझ नहीं आता तो ये कितनी बड़ी बेअदबी होगी। आज आप मोहम्मद याकूब भाई कहीं अगर अपने शहर से बाहर गए हुए हैं तो हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे। इस काबिल बनाया तो हमें अपने वालिद ने बनाया। बेटा कभी ऐसा नहीं सोचते, माँ बाप को कभी ऐसा नहीं कहते, बचपन में उन्होंने बड़ी हमारी खिदमत की है, अब इस बुढ़ापे में हमारी बारी है, हम उनका सहारा बने। उन्हें कभी यह ना कहें कि आपको समझ नहीं आता, बल्कि उनकी उनकी इज्जत अफजाई करें, उनकी खिदमत करें। आपके वालिद साहब पता है आज आपको याद करते हुए रोते रोते ज़मीन पर गिर गए। बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जी, मेरी एक गुजारिश सुनोगे बेटा? जी जी बिल्कुल। देखो वो आपके वालिद हैं और मैंने तो ऐसी वालिहाना मोहब्बत बहुत कम देखी है, इतना प्यार करते हैं वो आपसे, आपका नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपकी बात करने के लिए तरस रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा बेटा अपने अब्बू को राज़ी कर लो, क्योंकि हदीस पाक में आता है जिसका वालिद राज़ी उससे उसका रब राज़ी, हदीस पाक का मजमून है, और जिससे उसका बाप उसका वालिद नाराज़ उससे उसका रब नाराज़। कभी भी अपने वालिद को अपने माँ बाप को नाराज़ ना करना, याद रखना बेटा माँ बाप राज़ी हुए ना तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, और जिनके माँ बाप नाराज़ होते हैं वो दुनिया ही में उसका यूँ समझिए बदला देखते हैं, दुनिया ही में वो तबाही और बर्बादी देखते हैं। आप कहीं भी हैं प्लीज़ अपने अब्बू से राबता कीजिए और उनकी खिदमत कीजिए और उनको राज़ी कर लीजिए। जी अगर तुसी कहंदे हो तो मैं उन्होंने कोलों माफ़ी भी मंगागा आके, ते माफी तलाफी करके हो, मैं अपनी गल ते बड़ा शर्मिंदा हुआ इस गल ते। बेटा देखो हम मुसलमान है ना, हमें प्यारे आका की बात माननी है, नबी पाक की अहदीस हमें सिखाती हैं। आपको पता है माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से कोई देखता है उसे मकबूल हज का सवाब मिलता है। ये वालिद तुम्हारे पास हैं और तुमसे इतना प्यार भी करते हैं, जाओ इनकी खिदमत करो और इनसे मोहब्बत करो और हज का सवाब हासिल कर लो, ठीक है मेरा बेटा? जी बिल्कुल ठीक है। बस ठीक है, अब आप जल्दी से अपने वालिद साहब से मिल लो, बल्कि काम करते हैं हम आपको आपके वालिद साहब से हमारे प्रोग्राम में ही मिलाते हैं। अभी इंशाल्लाह दो दिन बाद हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है वाह कैंट में, वाह कैंट के प्रोग्राम में आपने आना है, मैं आपके वालिद साहब को भी बुलाता हूँ और इंशाल्लाह दोनों बाप बेटे की मुलाकात करवाते हैं, ठीक है बेटा? चलें ठीक है, चलो आप वाह कैंट पहुँचो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने जो छोटा सा डेमो किया यकीनन ये एक फ़र्ज़ी खाका है, इसका अगला सिलसिला भी आप देखेंगे, मगर ये क्यों किया? क्योंकि ये ख़बरें मौजूद हैं कि आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को टाइम नहीं दे रहा, आज का नौजवान उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। अरे तुम्हारी ज़बान नहीं लटक जाती कि माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हो? माँ बाप के सामने जो ऊंचा बोलते हैं उन्हें खुदा का खौफ नहीं कि कबीरा, बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में से कबीरा गुना ये कहा गया कि माँ बाप का नाफरमान। आप शबे बरात आने वाली है, आप शबे बरात के फ़ज़ाइल पढ़ लें, शबे कदर के फ़ज़ाइल पढ़ लें, जिस जिस रात में मगफ़िरतों के बिशारतें हैं, उस रात में जिन मुजरिमों के बारे में फरमाया गया कि वो नहीं बख्शे जाएंगे, उनमें माँ बाप का नाफरमान भी है। अगर यहाँ मौजूद या दुनिया भर में मेरा कोई भी भाई मेरी कोई भी बहन ऐसी है जिससे उसके माँ बाप नाराज़ हैं, खुदारा उनसे माफ़ी मांग लो। ख़ास तौर पे जो वतन से दूर पाकिस्तानी हैं, अपने शहर से दूर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, अपने माँ बाप को भूल बैठे हैं, ऐसा मत करो। मुझे एक याद है यूरोप से मुझे एक कॉल आई और एक शख्स कहता है कि अब्दुल हबीब भाई मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ मुझे रोज़ याद करके बुलाती है, ऐसा लगता है उसका आखिरी वक्त आने वाला है, मगर यूरोप में मेरे पास कागजात नहीं बने, मेरा पासपोर्ट या वीज़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं वापस चला गया तो फिर कागजात नहीं होने की वजह से मैं वापस नहीं आ सकूँगा, आप मुझे मशवरा दें मैं क्या करूँ। मैंने उस शख्स को यही कहा कि बेटा माँ चली गई ना
फिर वो नहीं आएगी। वालिद चला गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। ये दिन तुम्हें अल्लाह ने दिए हैं, जाओ उसके कदमों में पहुंच जाओ, माँ के कदमों में बैठकर वालिद की खिदमत के साथ आधी रोटी जो है वो बाहर की 10 रोटियों से ज्यादा अच्छी है। अरे जितने दिन तुम्हें मिले हैं उनकी खिदमत कर लो और आ जाओ, ये ना सोचो मैं यूरोप कैसे जाऊंगा, अरे माँ के कदमों में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत पहुंचा देगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और दुनिया भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तो अगर मेरा कोई भाई बैरून मुल्क में है, अपने शहर से दूर पाकिस्तान में भी है, और अगर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है तो जरूर उनके पास पहुंचकर उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, क्योंकि ये जब चले जाएंगे तो फिर इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। ए अल्लाह, हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा, और जिनके माँ बाप हयात हैं, ए करीम हमें अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला बना, उनको हमसे राजी कर दे। अगर हमसे आज तक हमारे माँ बाप की कोई बेअदबी हो गई है, अल्लाह हमें अपने माँ बाप से माफी मांगने वाला बना दे, बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, और जिनके माँ बाप चले गए और नाराज गए हैं, अल्लाह करमा वाली सरकार के कदमों में तुझसे दुआ है कि उनकी रूह को हमसे राजी कर दे, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा और हमारी भी जन्नत में उनसे मुलाकात अता फरमा। सारी उम्र गुजारी जदों फल पकड़ के वालिद से माफी मांग ली, देर ना करना, उन्हें राजी कर लेना, वो राजी हो गए, रब भी राजी हो गए। हमेशा से ये मौजू बड़ा टची है, माँ बाप का जिक्र होता है तो आंखें भर आती हैं, उनसे मोहब्बत और बढ़ जाती है, उनके एहसानात याद आते हैं, और अफसोस होता है उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। और यहाँ मैं माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आपके खिदमतगार रहें और आपके दुनिया से जाने के बाद भी वो आपके लिए सदका जारिया वाले काम करते रहें। यहाँ मैं मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता करें, चाहे वो मदरसतुल मदीना हो, जामियातुल मदीना हो। अब तो दावत इस्लामी ने इस्लामिक स्कूल सिस्टम भी दारुल मदीना के नाम से शुरू किया, और मुझे बताया गया कि माशाल्लाह ओकाड़ा शहर में भी दारुल मदीना शुरू हो चुका है, उसके दाखिले भी जारी हैं। अपने बच्चों को दावत इस्लामी के माहौल से अटैच रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे हमारी आंखों का नूर बनेंगे। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें नेक साले औलाद दे, हमारी औलाद हमारी आंखों का नूर बने और हमारे मरने के बाद भी हमारी मगफिरत का ज़रिया बने।